वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्रेक। मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं थर्ड लेक्चर फॉर द कोप्लेन ऑफ फोर्सेस। दो लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हुए हैं और मैक्रेक चैनल पर आपको वो मिल जाएंगे जब आप जाके उनको सर्च करेंगे। तो आज ये थर्ड लेक्चर है। आज हम देखने वाले हैं वेरिग्नन्स थ्योरम का प्रूफ देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे फ्रॉम दी मुंबई यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो मुंबई यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका क्या पैटर्न होता है, किस तरह सॉल्व करना होता है। वेरिग्नन्स थ्योरम का प्रूफ भी वहाँ पर आता हुआ आते हुए आपको मिलेगा। सो उनको आज पूरा देखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो स्टार्ट कर दीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए फ़ोन में और लैंडस्केप मोड पर फ़ोन को रख कर शुरू हो जाइए। घर के किसी कोने पर बैठ के ट्राई कीजिए कि ऐसे प्लेस पर जाए जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे और एक शॉट में ये पूरा का पूरा शूट आप देख सकें। सो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और बहुत अच्छा भी होगा। सो राइट डाउन द वेरिग्नन्स थ्योरम। सो राइट डाउन वेरिग्नन्स थ्योरम। आज हम देखने वाले हैं वेरिग्नन्स थ्योरम का प्रूफ। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा हुआ था वेरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट। तो वेरिग्नन्स थ्योरम होता क्या, तो लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय द वेरिग्नन्स थ्योरम। उसके बाद मैं प्रूफ आपसे डिस्कस करूंगा। सो वेरिग्नन्स थ्योरम कुछ इस तरह कहता है कि इफ देयर आर मेनी कोप्लेन ऑफ फोर्सेस इज गिवन, बहुत सारे फोर्स F1, F2, F3 एंड F4 मेनी फोर्सेस आर गिवन। तो वेरिग्नन्स थ्योरम ने कहा हुआ है, वेरिग्नन्स बाबा है और उन्होंने कहा कि अगर कोई एक पॉइंट में ले लेता हूं, ओके कोई एक पॉइंट में सपोज कर लेता हूं, कहीं पे भी ले सकते हो आप। सो इफ वी सपोज अ पॉइंट, और उन्होंने कहा था उसके बाद कि द मोमेंट ऑफ दिस ऑल फोर्सेस, द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस फ्रॉम दैट पॉइंट ए इज इक्वल टू द रिजल्टेंट मोमेंट। ओके सो पॉइंट ए अगर मैं लूं और जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का भी मोमेंट उस पॉइंट से लूं और जो सारे फोर्सेस थे उनका भी मोमेंट लूं और उनको ऐड करो, उनका समीशन करो, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ओके कोप्लेनर फोर्सेस बहुत सारे दिए हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। सो यही है वेरिग्नन्स थ्योरम। क्या कहा था वेरिग्नन्स बाबा ने, इन्होंने कहा हुआ है कि जो नॉर्मल फोर्सेस गिवन है ये F1, F2, F3 उनका जो मोमेंट होगा, सो मोमेंट क्या होगा इनका, इनका मोमेंट हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F1 into D1 प्लस F2 into D2 F3 into D3 प्लस F4 into D4। मतलब सारे फोर्सेस जो दिए हुए उनका मोमेंट निकाल के ऐड करो और रिजल्टेंट का अकेले का मोमेंट सेकेंड साइड पे रखो तो वो दोनों इक्वल होते। दिस इज द वेरिग्नन्स थ्योरम। सिर्फ इतना सिंपल है। इसका प्रूफ देखेंगे क्योंकि आपको कभी कभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में इसका प्रूफ आता है। सो उसके प्रूफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये लेक्चर आपने देखा हुआ हो, तब जाके आप ये प्रूफ कर पाएंगे। सो लेट स्टार्ट द वेरिग्नन्स थ्योरम प्रूफ। तैयार हो जाइए, थोड़ा लंबा प्रूफ है ये। एग्जाम्स में कितने मार्क का आता है, सो बेटा लोग ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स जितना उनको अच्छा लगे वो दे देते हैं, तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आपको मिल जाएगा। ड्रॉ दिस एक्सिस एक्स एंड वाई। ओके दो एक्सिस ड्रॉ करने हैं, देन टेक अ फोर्स पी एंड फोर्स क्यू। ओके राइट डाउन दिस स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा जब आप शुरू करेंगे। सो लेट पी एंड क्यू, लेट पी एंड क्यू आर दी टू कनकरेंट फोर्सेस एट पॉइंट ओ। व्हाट इज मीन बाय दी कनकरेंट फोर्सेस, सो कनकरेंट फोर्सेस मीन्स कि वन पॉइंट, एक पॉइंट से ओरिजिनेट होंगे या फिर वहीं पे आकर मिलेंगे। सो दी कनकरेंट फोर्सेस, सो लेट पी एंड क्यू आर दी टू कनकरेंट फोर्सेस एट ओ मेकिंग एन एंगल थीटा वन एंड थीटा टू रिस्पेक्टिवली। सो थीटा वन एंड थीटा टू, थीटा वन ये किसे एक्स एक्सिस से बना रहा है फोर्स पी, एंड थीटा टू क्यू बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। ओके नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट। हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट या फिर फाइंड द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट के लिए बहुत इजी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस यूज करेंगे, पिछले लेक्चर्स में किया हुआ है। सो जस्ट इसके पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो सेकेंड फोर्स है इसके पैरेलली एक
यहां पे ड्रॉप करेंगे. ओके, देन फ्रॉम दिस पॉइंट अ डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ डायगोनल. ओके, सो दिस इज योर रिजल्टेंट आर. वेरी इजी. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हमने देखा हुआ है कि इफ टू फोर्सेस इज गिवन देन हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, जस्ट ड्रॉ दिस पैरेललोग्राम एंड द डायगोनल विच इज गोइंग फ्रॉम दिस वन, जो कंकरेंट पॉइंट है, दैट गिव्स मी दी दैट डायगोनल गिव्स मी द रिजल्टेंट. सो दिस इज योर आर. ओके, इजी. सो इससे हमें क्या सीखने मिलता है, पैरेललोग्राम लॉ से हमें यह पता चल जाता है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, दिस इज नथिंग बट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. और पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू आर एक्स. वॉट इज सफिक्स एक्स? इट मीन्स द एक्स कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स. हमने न्यूमेरिकल्स किए हुए, अगर हम उसमें आपने देखा रहेगा तो हम रिजॉल्व करते थे फोर्सेस को इन हॉरिजॉन्टल और इन वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल को एक्स से डिनोट करते थे सफिक्स से, और वाई को हम करते थे, मतलब जो वर्टिकल होते थे उनको हम वाई से किया करते थे. ओके, सो याद रहा. सो रिजल्टेंट मीन्स, सिमिलरली अगर एफ वाई के लिए, सिमिलरली हम अगर इसके लिए लिखेंगे पी ऑफ वाई प्लस क्यू ऑफ वाई, सो हो जाएगा आर ऑफ वाई. डन, समझ में आया? सो रिजल्टेंट के लिए हमको ये आगे चल के यूजफुल होगा, पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू आर एक्स. सो उसको ध्यान में रखिएगा. सो लेट आर मेकिंग एन एंगल थीटा, मैं रेड कलर से कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे. लेट आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, मेरे साथ लिखते हुए चलिए. नेक्स्ट, कंसीडर अ पॉइंट ए, राइट डाउन, कंसीडर अ पॉइंट ए ऑन द वाई एक्सिस फ्रॉम विच ऑल द मोमेंट्स वी आर गोइंग टू कैलक्यूलेट. कंसीडर अ पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस from which all the moments we are going to calculate. Let's see. So, ये point मैंने choose किया हुआ है और उस point पर सारे moments निकालेंगे. किसके किसके moment निकालेंगे? Vergnan's theorem ने क्या कहा हुआ है कि जो दो forces हमने यहाँ पर लिए हुए हैं उनका summation करेंगे moments का, और जो resultant होगा उसका moment, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी. So, let, चलिए, let D1, let D1, D2, let D1, D2 and D, and D are the perpendicular distances from point A. Okay, let D1, D2 and D are the perpendicular distances for force P, Q and R respectively. ठीक है, सो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि जो D1 perpendicular distance है वो force P के लिए है from point A. Similarly for Q के लिए हमने क्या कर दिया, D2 from point A, और resultant के लिए हमने only D दिया हुआ है from the point A. सो ये आपको ध्यान रखना है. Next statement write down. Let X component, let, write down, let x component of p, q and r be, okay, let x component of p, q and r be write down px qx and rx. ओके, सो चलिए अपने यहाँ पे देख लेते हैं ग्राफ, यहाँ पे जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. सो x कंपोनेंट p का क्या आ जाएगा, जस्ट ये x पे इसको हम करेंगे तो हमें ये दिख जाएगा. सो दिस इज योर px, दिस डिस्टेंस. सो px यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम द ज्योमेट्री इफ दिस इज थीटा वन, सो ये कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, इट इज P टाइम्स cos थीटा वन. सो ये जो डिस्टेंस हो गया है, दिस इज योर P टाइम्स cos थीटा वन फ्रॉम द ज्योमेट्री. बहुत ईजी है, आपको क्या करना है, जस्ट इस ट्रैंगल को कंसिडर कर लेना है, ये जो दिख रहा है नीचे का ट्रैंगल, ये P वाला यहाँ पे लेके आओ, ये पर ये 90 है. सो ये थीटा वन है, जैसे आप cos थीटा करेंगे तो इट इज cos थीटा इज एडजेसेंट
अपॉन हाइपो, सो एडजेसेंट आपका आ जाएगा, ये थीटा है, सो इसका एडजेसेंट क्या आएगा, ये नीचे का, ध्यान रखना इसका, ये नहीं क्योंकि ये हाइपोटेनस हो जाएगा, सो ये करना है, जस्ट वो ज्योमेट्री यूज करेंगे तो आ जाएगा, इट इज पी कॉस थीटा वन, इतना आपको आना चाहिए, आप इंजीनियरिंग में आ चुके हैं। सो पी एक्स कैन बी रिटन एज पी टाइम्स कॉस ऑफ थीटा वन। सिमिलरली फॉर क्यू, जो सेकेंड पॉइंट है फॉर क्यू, सो क्यू एक्स इसका आ जाएगा क्यू टाइम्स कॉस थीटा टू, क्योंकि इसका जो एंगल बन रहा था फोर्स क्यू का वो थीटा टू था, सो सिमिलरली वी कैन राइट फॉर क्यू इट इज क्यू टाइम्स क्यू एक्स इज क्यू कॉस ऑफ थीटा टू। सिमिलरली फॉर आर एक्स यू विल राइट, आर क्या हो जाएगा यहाँ पे सिमिलरली, ये रहा, सो ये यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, सो इट इज योर आर एक्स, सो योर आर एक्स मज बी आर टाइम्स कॉस थीटा, ओके, सो ये सारे के सारे हमने कर दिए, सो आर इज आर टाइम्स कॉस थीटा, डन, समझ में आइए, सो दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ पी क्यू एन आर, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, सो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट जो सबसे मेन है ध्यान रखना आपको, वो ये है कि यहाँ पे जो ए के पास जो एंगल्स बन रहे हैं वो भी आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। लेट्स सी, इफ दिस इज योर थीटा वन, पहले मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ, इफ दिस इज योर थीटा वन, रेड कलर यूज करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझे, सो इफ दिस इज योर थीटा वन एंड दिस होल एंगल इज 90, पता है ना हमको ये पूरा 90 होगा, एंड दिस इज थीटा वन, सो द रिमेनिंग एंगल, सो रिमेनिंग एंगल मस्ट बी 90 माइनस थीटा वन, यस इजी, सो रिमेनिंग एंगल इज 90 माइनस थीटा वन। अब जरा स्मार्ट वर्क करो जरा, अभी मैं क्या करने वाला हूं, ये जो दिख रहा है यहां पे ये ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, इस पे हमने अज्यूम किया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी वन, और ये जब ये ट्रायंगल आप अज्यूम करोगे, सो दिस इज 90 माइनस थीटा वन, दिस इज 90, सो डेफिनेटली दिस एंगल मस्ट बी थीटा वन, समझ में आ रहा है। सो एट ए जो पी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी वन है वो थीटा वन एंगल क्रिएट कर रहा है, इजी, समझ में आ रहा है। सिमिलरली जो डी टू है ये वाला सेक्शन, इट विल मेक थीटा टू, जब आप करेंगे ये ज्योमेट्री जो मैंने आपको बताई सिमिलरली यूज करके। सिमिलरली फॉर द आर व्हेन यू विल फाइंड यू विल गेट, जो ये डी है जो आपने ये लिया हुआ है, ये एंगल आपको मिलेगा सिंपली थीटा, ये जो यहां पे थीटा आपने कंसीडर किया ना फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑटोमेटिकली वो ऊपर आ जाएंगे वही सारे एंगल्स, तो बहुत ही ध्यान से इस स्टेप को समझ के लेना है आपको, ओके, सो लेट्स मूव फर्दर, सो लेट्स सी, ये जो मैंने ट्रायंगल दिखा हुआ था उसको सिर्फ मैं ब्रेक करता हूं आपके लिए, ओके, सो ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर डी वन, ये डिस्टेंस इट इज डी वन, और ये मुझे पता नहीं जाने दो, और ये सॉरी ये जो ऊपर का एंगल है दैट इज थीटा वन, और ये ओ है और ये पॉइंट ए है, ये ओ है और ये पॉइंट ए है, और इसे भी सपोज कर लेते पॉइंट बी फिलहाल के लिए। सो अगर मैंने कॉस थीटा किया फ्रॉम द ज्योमेट्री, कॉस थीटा वन है यहाँ पे, सो कॉस थीटा एन क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो गया, एडजेसेंट क्या हो गया, डी वन अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ओ ए, या ए ओ लिख सकते हो, बोथ हैव द सेम मीनिंग, सो व्हाट इज योर डी वन, सो योर डी वन इज नथिंग बट ओ ए टाइम्स कॉस ऑफ थीटा वन, समझ में आया, ये ट्रायंगल जो लिया मैंने जो फोर्स पी पे था, तो इट इज डी वन ओ ए कॉस थीटा वन। सिमिलरली डी टू आप कैलकुलेट करोगे, सो यू विल गेट इट इज ओ ए कॉस ऑफ थीटा टू, ये सेकेंड के लिए आपको मिलेगा। सिमिलरली यू विल फाइंड डी इज इक्वल टू ओ ए टाइम्स कॉस थीटा, ओके, सो समझ में आ रहा है, ये जो यहां पे थीटा एंगल्स थे उनको मैं जब ऊपर लेके गया, क्यों लेकर गया, क्योंकि मुझे रिलेशन चाहिए था विथ डी वन डी टू एंड डी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थे। अब इनको मैंने क्यों निकाला हुआ है, क्योंकि अब जब मैं मोमेंट कैलकुलेट करने जाऊंगा, अब तक सिर्फ मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, जैसे ही मैं मोमेंट निकालने जाऊंगा तो वहां पे मुझे लगेगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, सो वहां पे इनकी जरूरत बहुत ज्यादा होने वाली है, ध्यान रहेगा, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, जस्ट
राइट डाउन एवरीथिंग. तो चलिए मोमेंट्स देख लेते हैं. सो मोमेंट फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज द मोमेंट फॉर फोर्स टी एट ए, क्या आ जाएगा ये? सो ये इसको हम लिखने वाले हैं मोमेंट फॉर द फोर्स टी एट पॉइंट ए. ये हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज डी वन, जो हमने डी वन एज्यूम किया हुआ है फॉर द फोर्स पी. सो पी एज इट इज, व्हाट इज डी वन? अभी हमने कैलकुलेट किया, डी वन इज ओ ए टाइम्स कॉस थीटा वन. एक नेक्स्ट स्टेप है, बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा. ये हो गया पी और ये हो गया कॉस थीटा वन. व्हाट इज पी कॉस थीटा वन? पी कॉस थीटा वन इज नथिंग बट पी एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ पी. सो इसको रिप्लेस कर देंगे हम, ओ ए एज इट इज रखेंगे, पी कॉस थीटा वन को कर देंगे पी एक्स. सो दिस इज योर मूवमेंट फॉर फोर्स पी एट पॉइंट ए. ओके, सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे सो मोमेंट फॉर क्यू एट पॉइंट ए. सो यू विल गेट, इट इज अगेन सेम करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा क्यू टाइम्स डी टू, है ना? मोमेंट क्यू के लिए क्या हो जाएगा फॉर द पॉइंट ए, ये हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो डी टू को अगेन आप रिप्लेस कर सकते हो ओ ए कॉस थीटा टू. सो क्यू एज इट इज, ये हो जाएगा ओ ए cos theta 2, है ना? So again same, q times cos theta 2, ये रहा q times cos theta 2, इसको रिप्लेस किससे कर सकते हैं? By the qx. So you can write it is as a OA qx, समझ में आ रहा है? So इसके लिए आप सीधा लिख सकते हैं OA times qx, हो गया? फटाफट छाप लें इसको, समझते चले और लिखते हुए चले. चलिए आगे का जो स्टेप है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसको जस्ट इरेज कर देता हूँ इसको. ओके, सो इसको कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर वन और इसको कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर टू. सो नेक्स्ट स्टेप इज नाउ एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू. जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मोमेंट फॉर फोर्स पी एट ए प्लस एम फॉर क्यू फॉर द पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इट इज ओ ए पी एक्स प्लस ओ ए क्यू एक्स. कहाँ से आया? यहाँ पे हमने जस्ट अभी निकाला हुआ है मोमेंट फॉर द फोर्स पी एंड क्यू, ये रहा राइट हैंड साइड, हमने लिख लिया. सो यहाँ पे ओ ए इज कॉमन, we will remain with the px plus qx. what is px plus qx? ये रहा, है ना, हमने just कुछ समय पहले किया हुआ है. so we will write it as a oa rx. this is the summation of all the forces at point a, this is the moment of the forces at point a. so ये हमारा आ गया हुआ है oa times rx. ओके, सो ओ ए टाइम्स आर एक्स ये क्या होगा पता आपको? दिस इज नथिंग बट, अच्छा चलो अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा, सो जस्ट राइट डाउन द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट. मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट पॉइंट ए निकालते हैं. सो ये क्या हो जाएगा, फोर्स आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने इसके लिए डी एज्यूम किया हुआ था. सो ये हो जाएगा आर. ओके, व्हाट इज डी? यहाँ पे अभी भी हमने छोड़ा हुआ है. सो डी कैन बी रिटन एज ओ ए टाइम्स कॉस थीटा. सो राइट डाउन ओ ए टाइम्स कॉस थीटा, डन. सो आर कॉस थीटा इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहां दिख रहा है आर कॉस थीटा को वी विल राइट आर एक्स. सो इट इज ओ ए टाइम्स आर एक्स. समझ में आपको ये क्या है, ये मोमेंट है रिजल्टेंट का फॉर दी पॉइंट ए. ओके, सो ये दोनों सेम नहीं दिख रहे, ओ ए आर एक्स ओ ए आर एक्स. ओके, सो समेशन ऑफ ऑल दी मोमेंट्स एट पॉइंट ए, जितने भी दो ही फोर्सेस हमने कंसिडर किए थे
पी एंड क्यू, सो उनका जैसे ही मैंने सबमिशन किया, ऐड किया, सो वी विल गेट ओ ए आर एक्स. रिजल्टेंट का जब मैंने मोमेंट निकाला, सो अगेन इट इज ओ ए आर एक्स. सो समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं इसको ले लूँ इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको ले लूँ इक्वेशन नंबर 4, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम? सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं द सम, ओके, द सम ऑफ ऑल मोमेंट्स एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट एट द सेम पॉइंट. दिस इज नोन एज द वेरिग्नन थ्योरम. सो समझ में आपको व्हाट इज मीन बाय द वेरिग्नन थ्योरम? सो द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एट एनी पॉइंट, हमने ए अज्यूम किया था, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट एट द सेम पॉइंट इज नोन एज द वेरिग्नन थ्योरम. आपके सामने अभी जस्ट इसका स्टेटमेंट आ रहा है, जस्ट देख लीजिए उसको. इट स्टेट्स दैट द अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेम पॉइंट. यही जो हमने किया अभी प्रूफ, समझ में आया? सो दिस इज नथिंग बट द वेरिग्नन थ्योरम. सो ये था उसका पूरा प्रूफ वेरिग्नन थ्योरम का. ओके, सो लेट्स सी द प्रॉपर्टी ऑफ कपल. व्हाट इज मीन बाय द कपल हमने किया हुआ है? सो कपल इट इज नथिंग बट कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन देम, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये एफ टू नहीं लिख सकता मैं, इसका एफ वन ही करना पड़ेगा. सो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस फॉर्म अ कपल, ठीक है? सो दिस इज नोन एज ए कपल. सो इसकी एक प्रॉपर्टी है कपल की. सो व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? लेट्स सी कि ये मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट ही है दोनों, ऐसा थोड़ा सा बड़ा छोटा हुआ, ध्यान रखना इसको. सो ध्यान ये रखना है आपको कि इफ वन फोर्स इज गिवन ऑलरेडी, ओके, सो सपोज करते हैं एट पॉइंट ए वन फोर्स एफ वन इज शोन एज गिवन. सो आपको ये ध्यान रखना है कि कपल के पास एक मस्त प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है ना कि इस फोर्स को जो एफ वन दिया हुआ है इसको आप शिफ्ट कर सकते हो, इसको आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो बाय यूजिंग कपल. कैसे? लेट्स सी. सो ये ऑलरेडी वन फोर्स इज गिवन एफ एट पॉइंट ए. सो अभी मैं क्या करूँगा कि एक अनदर पॉइंट लूंगा बी और उस पर अगेन मैं यही सेम फोर्स एफ दोनों डायरेक्शन में यूज करूंगा, ओके, यहाँ पे माइनस एफ और यहाँ पे प्लस एफ, डन. ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, ठीक है? सो इसका रिजल्टेंट तो जीरो हो जाएगा, कोई उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मेरे लिए कुछ अभी करके जाने वाला है. सो सपोज करते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी आने वाला है. सो अब कपल इसमें क्या चेंज कर सकता है? लेट्स सी. सो ये जो फोर्स जा रहा है इस डायरेक्शन में और ये जो फोर्स जा रहा है इस अपोजिट डायरेक्शन में, वो दोनों फोर्सेस को जस्ट पकड़ना है. कुछ कपल्स की तरह दिखाई दे रहे हैं ना, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में. सो दे फॉर्म अ कपल, ओके. सो एट पॉइंट बी दे फॉर्म अ, ये कौन सा कपल हो रहा है? क्लॉकवाइज. सो क्लॉकवाइज कपल फॉर्म कर रहे हैं और ये जो फोर्स था, ये जो फोर्स वो कपल में कन्वर्ट हो गया और ओनली ये जो सेकेंड एफ है ये हमारे पास यहां पॉइंट बी पे पड़ा रहेगा. तो समझ में आपको कि पॉइंट बी यहां कहीं पे छुपा हुआ है, फोर्स F1 को मैंने B पर ट्रांसफर किया, दिख रहा है आपको? यहां से यहां पे मैंने ट्रांसफर किया बाय यूजिंग अ कपल. ये इक्विवेलेंट सिस्टम है, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट सिस्टम है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कपल. सो कपल की ये प्रॉपर्टी है कि आप एक फोर्स को किसी सेकेंड पैरेलल पोजिशन पे ट्रांसफर कर सकते हो, बट इसके लिए वी रिक्वायर्ड अ कपल, विच इज कपल की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? फोर्स इनटू डिस्टेंस. सो इट इज एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कपल. सो चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं. अब देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट. अब न्यूमेरिकल करने की बारी आ रही है और इसमें रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे फॉर द पैरेलल एंड जनरल फोर्स सिस्टम. ओके, सो पैरेलल फोर्सेस अगर दिए हुए हैं, व्हाट इज मीन बाय द पैरेलल? मैन हमने बात की हुई थी कि बहुत सारे पैरेलल फोर्सेस दिए हुए होंगे. व्हाट इज मीन बाय द जनरल फोर्सेस? सो इट मींस कि एक प्लेन में कोप्लेनर फोर्स में काफ़ी सारे फोर्सेस दिए हुए रहेंगे.
तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देख लेते हैं। सो इसके लिए आपको सिर्फ दो स्टेप्स करने हैं। स्टेप नंबर वन जो हमने लर्न किया हुआ है कनकरंट फोर्स सिस्टम में, सेम यहाँ पे करेंगे। कनकरंट फोर्स सिस्टम पिछले लेक्चर्स में अवेलेबल है, ये पूरा का पूरा ऑलरेडी हमने काफ़ी स्टेप्स में वहाँ देखा हुआ है, 4 to 5 स्टेप्स है वहाँ पे। सो आपको पहले कनकरंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट आना चाहिए कि उसको कैसे निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप और ऐड करना है इन फोर्सेस को कैलकुलेट करने में, जस्ट यूज अभी हमने किया वेरिग्नंस थ्योरम। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ यही एक एडिशनल पॉइंट है। कनकरंट फोर्सेस रहेंगे तो जो हमने पहले किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में सिर्फ वही, लेकिन जब वो पैरेलल या फिर जनरल फोर्स सिस्टम आ जाएगा सो वी रिक्वायर स्टेप टू। ओके, विच इज यूज वेरिग्नंस थ्योरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए शुरू करते हैं और न्यूमेरिकल लेते हैं जो मुंबई यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी आया हुआ न्यूमेरिकल्स है। सो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस न्यूमेरिकल को जस्ट पॉज करें और राइट डाउन इन योर बुक। सो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये रहा वो सिस्टम, फिफ्टीन न्यूटन अपवर्ड, ये हो गया 40, 30, देन लास्ट 50। ओके, सो 15 न्यूटन फोर्स, देन पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है 60 न्यूटन फोर्स, देन एट हियर इट इज़ अ पॉइंट ए, हियर इट इज सी, हियर इट इज़ अ डी, देन इट इज़ अ एट द लास्ट हियर इट इज़ अ बी। सो दिस डिस्टेंस इज 40 मीटर, दिस इज 30 मीटर, एंड दिस इज 50 मीटर टोटल। अपवर्ड 15, डाउनवर्ड 16, देन 10 न्यूटन अपवर्ड, देन 25 न्यूटन डाउनवर्ड। ओके, सो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द पैरेलल फोर्स सिस्टम शोन इन द फिगर, लोकेट द सेम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। ओके, तो पॉइंट सी से हमको रिजल्टेंट की लोकेशन बतानी है, ये पूछा हुआ है, एंड ऑल्सो फाइंड द रिजल्टेंट। तो क्या करेंगे, जैसे कि राहुल सर ने आपको बताया था दिस इज द पैरेलल फोर्स सिस्टम, ऑलरेडी एग्जाम्स में आया हुआ ये न्यूमेरिकल है, ये आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में आया हुआ था 5 मार्क्स के लिए। सो जस्ट राइट डाउन इट हैज कम फॉर 5 मार्क्स, तो 5 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आया हुआ है। सो यहाँ पे फोर्सेस दिए हुए हैं, सबसे पहले आपको समझ जाना है कि दिस इज दी पैरेलल फोर्स सिस्टम। सो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया हुआ है, इजी स्टार्ट द सॉल्यूशन, वेरी इजी स्टार्ट द सॉल्यूशन, पॉज करें और खुद थोड़ा सा ट्राई करने को कोशिश करें अगर आप कर सकते हैं। सो सबसे पहले फाइंड आउट द समेशन ऑफ, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, ओनली एफ ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स है फोर्सेस के, तो हॉरिजॉन्टल नहीं, हम सीधा वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, कंडीशन लिख देंगे कि वर्टिकल को पॉजिटिव लेने वाले हैं। सो एफ ऑफ वाई क्या आ जाएगा, राइट डाउन अपवर्ड, सो प्लस 15, डाउनवर्ड माइनस 60, 16, प्लस 10, माइनस 25। ओके, सो सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट माइनस 60 न्यूटन। ओके, सो दिस इज योर समेशन एफ ऑफ वाई, डन। सिमिलरली समेशन एफ ऑफ एक्स क्या जाएगा, यहाँ पे समेशन एफ ऑफ एक्स इज 0 बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज अवेलेबल, या फिर इंक्लाइन कोई नहीं है जिसको मैं रिजॉल्व कर सकूँ, सो इट इज डायरेक्टली 0 एंड दिस इज योर माइनस 60 न्यूटन। ओके, सो हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट, सो रिजल्टेंट इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई द होल स्क्वायर, ये वैल्यूज पुट करेंगे सो वी विल गेट रिजल्टेंट इज 60 न्यूटन। हाउ टू फाइंड द थीटा, सो थीटा के लिए वी विल नो, वी हैव मतलब हमने सीखा हुआ है कि इट इज टेन इनवर्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, उससे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली, ये जो आपका पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है अपने को पता चल रहा है इसमें कोई हॉरिजॉन्टल नहीं है, सारे के सारे वर्टिकल कंपोनेंट है, तो जो आपको रिजल्टेंट होगा
वो सिर्फ एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और ये जो आपको क्वाड्रेंट बता, क्वाड्रेंट से अगर आप निकाल सकते हो तो हमें पता चलेगा कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। इसका एफ ऑफ एक्स ज़ीरो आ रहा है, अगर मैं एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करूँ तो एफ ऑफ एक्स ज़ीरो आए और एफ ऑफ वाई नेगेटिव आए। सो दिख रहा है ये नीचे की डायरेक्शन में जाने वाला है, ये वाई एक्सिस के नीचे में जाने वाला है। सो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, फिर अगर आप वैल्यूज पुट करते तो व्हाट इज समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, इट इज माइनस 60 अपॉन जीरो, इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा इन माइनस इन्फिनिटी। सो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 90, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, सो योर थीटा इज, आप प्लस 90 लिखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज योर रिजल्टेंट एंड दिस इज योर एंगल। सो थीटा के लिए मैंने ऑलवेज कहा हुआ है, अगर आप समीशन एफ वाई और समीशन एफ एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू ही सिर्फ लेंगे, जब पॉजिटिव सिर्फ लेंगे तो आपको क्वाड्रेंट डिसाइड करना होता है ऑन द बेस ऑफ समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई एंड समीशन एफ एक्स, उन दोनों को किस क्वाड्रेंट में आएंगे वो देखना है, देन आपको ड्रॉ कर देना। अदरवाइज अगर आप प्लस और माइनस लेंगे तो आपके जो आंसर्स आएंगे वो माइनस में आएंगे, और माइनस में आने के बाद आपका एंगल माइनस में आएगा, तो आपको उस हिसाब से डिसाइड करना होता है कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है तो रिवर्स डायरेक्शन में करना पड़ेगा। सो ये हमने हाफ काम कंप्लीट कर दिया, फाइंड द रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट हमने निकाल लिया हुआ है, हमने रिजल्टेंट एंड थीटा फाइंड आउट कर लिया हुआ है। बट यहाँ तक ये न्यूमेरिकल नहीं था, इस न्यूमेरिकल में अभी हमें रिजल्टेंट की जो लोकेशन है विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या होगी वो भी निकालना भी हमारा बचा हुआ है। उसके लिए हमने जो स्टेप टू डिस्कस किया हुआ है, स्टेप टू यानी कि हम यूज़ करेंगे वेरिग्नन्स थ्योरम, यहाँ पे उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। सो उसके लिए वहाँ तक जाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सो उससे पहले जस्ट सपोज करना पड़ेगा। सो लेट, सॉरी डोंट जस्ट, लेट आर, लेट रिजल्टेंट आर बी एट अ डिस्टेंस ऑफ डी टू द राइट फ्रॉम द पॉइंट सी। ओके, लेट रिजल्टेंट आर, रिजल्टेंट आर में आपको क्या ध्यान रखना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको शो करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है इसका डायरेक्शन। सो लेट रिजल्टेंट आर बी एट अ डिस्टेंस ऑफ अ डी फ्रॉम द पॉइंट सी, ये अज्यूम कर लेना है। अगर किसी स्टूडेंट ने उसको सी से पहले भी अज्यूम किया तो इट्स ओके, कोई टेंशन नहीं, उसको कहीं पे भी अज्यूम करो, आपको जो लास्ट आंसर आएगा ऑटोमेटिकली अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, प्लस आएगा, तो आपका डी जहाँ पे आपने अज्यूम किया करेक्ट है। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो इट मीन्स कि जहाँ पे आपने अज्यूम किया हुआ है उस डायरेक्शन में नहीं रहेगा, उसके अपोजिट में रहेगा। ठीक है, सो हम इसके राइट हैंड साइड में सपोज कर लेते हैं। सो स्टेप टू क्या होता है अपना, यूजिंग वेरिग्नन्स थ्योरम। क्या है वेरिग्नन्स थ्योरम, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया हुआ था। सो द समेशन ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉइंट सी को कंसिडर करें, क्योंकि सी से ही आपको वो डिस्टेंस चाहिए। अगर एग्जाम्स में पूछेगा कि फ्रॉम द पॉइंट ए तो आप एट ए लीजिएगा, अगर सी से पूछा है तो एट पॉइंट सी। सो मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट सी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट सी, दिस इज द वेरिग्नन्स थ्योरम वी नो। सो क्या करेंगे, सबसे पहले मोमेंट निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पॉइंट सी से हम लेने वाले हैं, सो ये जो फोर्स है ये कौन सा है और क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि ऑल एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, ये मैं लेकर करने वाला हूँ, ऑल एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। सो सी से ये क्लॉकवाइज हो रहा है, सो नेगेटिव, सो इट इज माइनस 15 इंटू व्हाट इज डिस्टेंस 40। सी पे 60 जीरो हो जाएगा, ओके, वाई जीरो, क्योंकि C से ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, सो वो दोनों का आंसर जीरो। नेक्स्ट आते हैं 10 न्यूटन फोर्स, सो ये एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम द पॉइंट C, सो एंटी क्लॉकवाइज है तो अगेन प्लस 10 इनटू व्हाट इज द डिस्टेंस, इट इज 30। ओके, ये रिजल्टेंट है, इसको टच नहीं करेंगे, देन ये 25 फ्रॉम द पॉइंट C, इट इज क्लॉकवाइज, सो इट मस्ट बी अ नेगेटिव। सो माइनस 25 इनटू यहाँ पे क्या डिस्टेंस आएगा, C से ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 30 प्लस 50 विच इज 80 इज इक्वल टू, अब रिजल्टेंट के बारे में लिखेंगे, रिजल्टेंट का क्या आने वाला है, रिजल्टेंट की वैल्यू है वी हैव, इट इज़ अ 60 न्यूटन।
सो यहाँ पे लिखेंगे 6060। ये ध्यान रखना है कि सी से क्या है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज के लिए इसके आगे कर देंगे माइनस, ओके। सो इसके सामने आपको लिख देना है इट इज अ माइनस 60 इनटू द डी, इनटू डी। सो दिस इज द वेरिग्नल थ्योरम। समझ में आ रहा है? जो भी फोर्सेस थे हमने उनको लेफ्ट हैंड साइड पे उनके सारे मोमेंट्स को रखा, और जो रिजल्टेंट है अकेला उसका मोमेंट हमने राइट हैंड साइड में रखा हुआ है। सो कैलकुलेट, कैलकुलेटर में रखो इसको। Da na dum da na dum da na dum da na